एक बार ब्रह्मदेव शंकर के दर्शन के लिए कैलाश पधारे थे, तभी नारद भी वहां आए थे। उन्होंने एक अद्भुत अमृत फल शंकर को अर्पण किया। उस वक्त कार्तिकेय और गजानन शंकर के पास ही बैठे थे। दोनों उस फल के लिए झगड़ने लगे। शंकर सोच में पड़ गए कि ये फल किसको दिया जाए। ब्रह्मदेव ने ये फल कार्तिकेय को देने का सूचन किया, इसलिए शंकर ने वो फल कार्तिकेय को दे दिया। गजानन को ब्रह्मदेव पर गुस्सा आ गया। फिर एक बार शंकर और गजानन ब्रह्मदेव से मिलने सत्यलोक गए थे। उस वक्त शंकर का ध्यान नहीं है ये देखकर गजानन ने उग्र रूप धारण करके ब्रह्मदेव को डराया था। गजानन का ये उग्र अद्भुत और विद्रूप रूप देखकर शंकर के भाल प्रदेश में रहे चंद्र को मजा आ गया था और वो गजानन के उग्र रूप की कुचेष्टा करके हंसने लगा। अतः गजानन क्रोधित हो गए और उन्होंने चंद्र को श्राप दिया, तू मेरे स्वरूप की कुचेष्टा करते हुए हंसा, इसलिए त्रिलोक में कोई भी जीव तेरा दर्शन नहीं करेगा और यदि किया तो उसे महापाप लगेगा। गजानन के श्राप के कारण चंद्र का सौंदर्य लुप्त हो गया और उसे मलिन तीव्र रूप प्राप्त हुआ। इस कारण से चंद्र लज्जित हो उठा और वो जाकर छुप गया। इस बात का जब सर्व देवों को पता चला तब वे दुखी हो गए। उन सब ने मिलकर गजानन से प्रार्थना की और चंद्र को अपना पूर्व रूप पुनः प्राप्त हो ऐसी श्री गणेश से कृपा याचना की। इंद्र ने चंद्र को बुलवाया और उसे गजानन के एकाक्षर जाप करने को कहा। अतः चंद्र ने एकाग्र होकर अंतःकरण से 12 वर्ष एकाग्र मंत्र का जाप किया। चंद्र के पश्चाताप के कारण श्री गणेश ने प्रसन्न होकर उसे वर दिया, तुम्हें पूर्व का सुंदर रूप प्राप्त होगा। प्रत्येक माह की कृष्ण चतुर्थी के दिन तुम्हारा दर्शन किए बिना मेरी पूजा पूर्ण नहीं होगी। तुम्हारा दर्शन करने के पश्चात ही मेरे भक्त भोजन करेंगे और उपवास छोड़ेंगे। तुम्हारी एक कला को मैं भूषण के रूप में अपने मस्तिष्क पर धारण करूंगा, किंतु भाद्रपद चतुर्थी के दिन जो भी तुम्हारे दर्शन करेगा उस पर चोरी का कलंक जरूर लगेगा। ऐसा वर मिलते ही चंद्र की मलिनता नष्ट हो गई और वो पूर्ववत तेजोमय हो गया। उसी दिन से गणपति के मस्तिष्क पर चंद्र की कला नजर आ रही है और इसी कारण गणपति को भाल चंद्र भी कहा जाता है।